हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जैसे कि हम आपको बताए दिए, इस पे ओके करते हैं, क्लिक करना नाउ पे, और उसके बाद सेल्फ एनरोलमेंट पे ओके किया, मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद में प्रोसेस पे ओके करते हैं, ओटीपी आता है। ऊपर नाम डाल देते हैं, नीचे ईमेल डाल देते हैं, और ये कैप्चर अगर आपको समझ में आता है, जैसे MOL 050, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये इनवैलिड था। अब दोबारा से PHKYU, ये बीच में थोड़ा एक ऐड आ गई है, ये ऐड वाले ही ऐसे कुछ परेशान करते रहते हैं अपने। PHKYUP, ठीक है, जनरेट ओटीपी करते हैं, ओटीपी आ गया, तो ओटीपी डालेंगे, वो आप देख रहे हो कि हैज़ बिन सेंड योर मोबाइल नंबर, तो लास्ट के 7 डिजिट दिखा रहा है जिस नंबर हमने डाला है। ओटीपी आता है, ओटीपी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे आप रिसेंट रजिस्ट्रेशन, तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे शायद, डैशबोर्ड पे ओके करते हैं, और इनरोलमेंट पे ओके करेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड में जाके इनरोलमेंट। तो ये यहाँ पे पूरा जो इसका पैनल है खुल चुका है, यहाँ पे आप आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है, आधार नंबर डाल देते हैं, आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एग्री है, उस पर ओके करते हैं। उसके बाद नाम डाल देते हैं, जो आपका आधार कार्ड में नाम है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ है, जो दिन है वो डाल लें, वाई वाई का मतलब यस, कौन सा सन, MM का मतलब महीना, DD माने दिन। तो इसमें हम चूज कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को, तो मैं चूज कर लिया 95। जेंडर चूज करते हैं, मेल, मोबाइल नंबर दोबारा से डाल लेते हैं और ईमेल डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, राजस्थान, और सिलेक्ट स्टेट करते हैं भरतपुर, और सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट है जो नगर, उसके बाद विलेज आएगा, जैसे हमने अपना सिलेक्ट कर लिया है, आप भी कर लें, कहीं ना कहीं आपका जो गांव है विलेज वो आपको मिल जाएगा, आप वहीं से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है, द्वारका है, बहुत सारे इसमें गांव है जो आपके आसपास के होंगे, तो हमारा भी गांव बस आसपास ही आने वाला है, ठीक है, हमने अपने गांव पे क्लिक किया। उसके बाद पिन कोड,
हमने अपना चुन लिया जो आपका इसमें जो एरिया के हिसाब से जितने आपके पिन कोड होंगे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पर यस या नो पे कर सकते हैं। नॉर्थ रजिस्ट्रेशन मतलब यस या नो, आपकी कैटेगरी चूज कर सकते हो एससी में हो, ओबीसी में हो, एसटी में हो। उसके बाद सिलेक्ट द फार्मर कैटेगरी यू बिलोंग्स, मतलब आप नॉन एस एन ऑफ हैं या फिर वो वाले हैं, तो आप इस पर मतलब वो आपको पता चल जाएगा अगर आप वो किसान हो नॉन एस वाले का, वहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आप उसमें कर सकते हो। ये बता रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो एग्री पे करते हैं, सबमिट करते हैं। उसके बाद में जो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ रहा है। हमने सबमिट पर प्रोसेस कर दिया, आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये नेक्स्ट पेज खुल चुका है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाई करना होगा, तो अकाउंट डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले आईएफएससी कोड डाल दें आप, आपका जो भी बैंक है उसका आईएफएससी कोड डालोगे तो आप ऑटोमेटिक वो सब कुछ ब्रांच नेम सब कुछ कैच कर लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आईएफएससी कोड डालें। आईएफएससी कोड डालने के लिए जैसे तरीके से आपका बैंक है या पासबुक में देख लें जो भी आपका आईएफएससी कोड है। तो ये हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई करते देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक एलटीडी और नोएडा ब्रांच बी सेक्टर नोएडा, ठीक है ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, जो आपका अकाउंट में जो नाम है वही सेम डाल दें आप उसमें। ठीक है, तो नाम डाल लें, तो उसको सेविंग अकाउंट कर लें। टाइप अकाउंट में सेविंग है या करंट अकाउंट से, तो यहाँ पे आप ये हो रहा है डिफरेंस, तो इसको हम इसमें डाल, सॉरी गलत लग गया, दोबारा से लगाते हैं अपना अकाउंट नंबर। और आप जानते हैं कि पेमेंट बैंक में जो नंबर होता है वही अकाउंट नंबर दिया जाता है, इसलिए आप वही लगा सकते हो। दोबारा से कंफर्म कर लें उसको कि सही है या गलत है। ओके, उसके बाद आप मेरिट इस पे करते हो तो उसको वाइफ का नाम डालना पड़ेगा नॉमिनेशन में, ठीक है नॉमिनेशन डिटेल डालनी है तो, और अनमेरिड में है तो आप अपने पिता का माँ का डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम अनमेरिड से डालते हैं और अपने पिता की डाल देते हैं, तो नॉमिनेशन में अपने पिता का नाम डालते हैं। और रिलेशन डालना कि आपका नाते में क्या लगता है, वो रिलेशन क्या है उससे, तो आप उसको चूज कर लें और उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दें जो सेम आधार कार्ड में है वही डाल दें। उसके बाद आता है एक नॉमिनेशन इज मिनोर, तो गार्डियंस नेम इफ नॉमिनेशन इज मिनोर, तो उसमें आप उसके पिताजी का नाम डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कंट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करना चाहते हो, कि एक महीने का करना चाहते हो तो आपको एज के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप एक मंथ का करते हो तो 76 रुपये, और 3 मंथ का करते हो 228 रुपये, और 6 महीने का करते हो तो आप 600 कुछ रुपये थे, और साल का करते हो तो आप 900 रुपये लगभग आएगा। तो यहाँ पे टर्म जो कंडीशन को एग्री करें और सबमिट प्रोसेस पे ओके कर दें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपका वो बन चुका है एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, तो मंथ का इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 76 रुपये। ठीक है, हर महीने आपके बैंक से काट लिए जाएंगे, और ये जो एक फॉर्म आता है इसमें आपको, वैसे इसमें भरी हुई है ज़्यादा फिल करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा फॉर्म आपको उसको प्रिंट करवा के तो नीचे कुछ डिटेल्स दिए हों उसको भर के, और उसी पे उसको दोबारा से पीडीएफ फाइल में आप कर अपलोड कर दें। ठीक है, इसमें देखो सब कुछ आ ही चुका है ऑलरेडी, जैसे इसमें
आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन हमने 76 रुपये का किया है, और इसमें किसान पेंशन अकाउंट नंबर दे दिया, और अकाउंट नंबर जो नया बना है ओबीसी है, अनमेरिड है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ दिख जाएगा आपको यहाँ पे इसमें। तो ये नीचे जो कुछ दिए हुए हैं पॉपसी 3 है जो, तो इनमें आपको सिग्नेचर करना होगा या थंबनेल से आपको इसको करना होगा, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट मैनेजमेंट फॉर्म पे ओके करते हैं, ओके किया। अगर आप इसको दोबारा से ओके किया उसके बाद आप, मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रिंट कर सकते हो, बाकी मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर वैसे दोबारा से इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाकी आपको वैसे नहीं करना होगा, आप प्रिंट निकलवा के और उस पर सिग्नेचर करके या थंब लगा कर तभी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आप देख रहे हैं, और इसको थोड़ा हम बैग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नंबर है UMRN वाला है, तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है सेल्फ स्टेटस, मतलब आपको उस पर साइन वगैरह करने होंगे ऊपर अपने, तो वो हमारे स्क्रीनशॉट ब्राउज़र में जाते हैं, वो स्क्रीनशॉट आ चुका है, उसको हम उठाते हैं, चूज योर फाइल, ये अपलोड स्कैन कॉपी, हम इसको अपलोड कर देते हैं। स्कैन कॉपी हो रहा है, ये कुछ टाइम लग रहा है, और ये हो चुका है। यहाँ पे नीचे देखते हैं हम, लिखा आ चुका सक्सेसफुली, और योर मंथली कंट्रीब्यूशन 76 रुपये है, और योर टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1 मंथ का 76 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इसमें आप देखें कि आपका जो ऊपर मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रिंट प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड, जो इस कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते, देखो आप नीचे देख, थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो चल रहा है, इसमें आपको नीचे सब कुछ दिख ही रहा है कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक है, 1955 तक आपको पे करना होगा, जैसे आज से स्टार्ट हुआ है 16/5/2020 को, तो आपको कंटिन्यू 76 रुपये पे करने पड़ेंगे 8/5/2055 तक, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो मेरा बन चुका है किसान कार्ड जो इसमें दिया हुआ है, तो आपको इसको यहाँ से डाउनलोड करके और निकलवा भी सकते हो, और नहीं तो आपका यहाँ से कॉपी निकलवा लें तो भी ठीक है, वैसे आपको याद रहेगा पहली बात, तो नहीं तो आप इसका कॉपी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें यहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो ये पूरा ओपन हो चुका है, नेटवर्क थोड़ा स्लो था, हम ये फिर बीच में से एक ऐड आ गई, इसको कट कर देते हैं। तो इसमें देखो आपकी जो पेंशन है वो न्यूनतम, आपकी जो पेंशन है 3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन जो की गई है वो 3,000 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो रेड का इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड हो चुका है, ये कोई बॉक्स दे रहा है, इसको अलाउ भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा पीछे लेके चलेंगे हल्का सा, और ये डाउनलोड होगा, ठीक है। तो डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, और शायद ये कितना बड़ा, कितना KB का ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाकी डाउनलोड हो जाएगा, कुछ देर इंतज़ार करें। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब तरीके से बारीकी से लिखा हुआ है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो हमने रिफ़्रेश किया और देखते हैं कि वो डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हम थोड़ा जूम करके आपको फिर दोबारा से दिखा देते हैं, इसमें लिखा है कॉन्ग्रेशन, ये देखिए सब कुछ इसमें दिख रहा है, इनमोलमेंट है, पेंडिंग स्टेटस, पेंडिंग वाला जो स्टैंडिंग है उसमें आप चेक कर सकते हो डैशबोर्ड पे जाके, अपडेट इनमोलमेंट नंबर उसको चेक कर सकते हो, नीचे नीचे कुछ दिख रहा है आपको, आप उसको देख सकते हो डैशबोर्ड पे जाते हैं, देखिए ये आ चुका है इसमें जैसे डला हुआ है इसमें, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं कंप्लीट योर, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो पेंशन अकाउंट नंबर वो भी दे दिया गया है,
50 45 42, ठीक है, इस तरीके से वो आपका कहीं से भी सीरीज से चालू हो सकता है। और हम चेक करते हैं कि डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा मैं लाइन 3 है जो डॉट पे ओके करना होगा, तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि ये डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो थोड़ा टाइम और लग रहा है, तो हम इसको वेट करते हैं क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो है और हमारे पास 4G नेटवर्क नहीं है, तो 3G नेटवर्क से ही हम अपनी व्यवस्था को कर पा रहे हैं, यहाँ पे 4G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने थोड़ा प्रेस किया तो डाउनलोड हो चुका, ऊपर से दिख रहा है हमें, तो हम डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है PDF फाइल में मानदंड, ये 2 बार हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं और PDF पे ओपन करते हैं, तो हो जाता है। तो नहीं हो रहा है तो हम इसको बैक कर लेते हैं। और दूसरा जो PDF है एक और, तो उससे हम चालू करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ओपन हो, नहीं तो आप वहाँ से जाके अंदर फ़ोन में से जो एक ऑप्शन आता है वहाँ से भी आप जाके इसको चेक कर सकते हो, अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो। कई बार हो भी जाता है, ये भी नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम इस पर ओके करके देखते हैं, तो शायद यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो ये है, हो चुका है, हमने किया है ड्राइव से, तो ठीक है, गूगल ड्राइव से। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिख गया है, मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है और जो हमने अनदाता की पेंशन, ये सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और बहुत सारी वीडियो हैं। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की